ಭಗವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಾನಚತುರಾಯ ಗಾನಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೆ ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕ ಮನಸೇ ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯಿನಿ ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣಗುರವೇ ಗುರುದೈತ್ಯಕಲಕ್ಷೇತ್ರೇ ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ಗುರುಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಕಾಯ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का संयोजक के तौर पे एनएल मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। मित्रों, हर कलाकार तालियों का भूखा होता है और उसकी फितरत होती है कि उसके अच्छे काम की तारीफ हो, किंतु प्रोत्साहन के अभाव में एक कलाकार बिखर सा जाता है, उसकी प्रतिभा गुमनाम होके रह जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कंचन कैसेट एवं सीरीज के बैनर तले संजना शर्मा एवं उनकी टीम ने 28 सितंबर 2013 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के रूप में एक अवार्ड समारोह की नींव रखी, जो आज एक बुलंद इमारत की शक्ल ले रहा है। आज आप सबकी उपस्थिति से इस समारोह की रौनक कई गुना बढ़ गई है। आप सबका प्यार एवं दुलार ऐसे ही मिलता रहे ताकि ये समारोह और अधिक ऊंचाइयों तक जा सके, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। और आप सभी का कंचन कैसेट एवं सीरीज एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, स्वागत करता है। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। घणी खम्मा राम राम। सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो राजस्थान। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि सु देश रो सबसु मोटो प्रदेश, शूर वीरारी धरती जठे महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, पृथ्वीराज चौहान सरीसा सूरवीर जलम्या, तो पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह जिस्या परम वीर चक्रधारी आजादी रे बहादुरी लड़ाई में वीरता दिखावता शहीद हुआ। बड़ा बड़ा धन्ना सेठारी धरती, कला और संस्कृति रो प्रदेश, अठेरी लोक कलामा और संस्कृति ने कुण को नहीं जाने। अठेरा तीज त्योहार, जीमन जुटन, गीत गाड़, रहन सहन, पहनावा, खान पान और रीति रिवाज री चर्चा तो पूरी दुनिया में चाहिए। अठेरी भांत बतीली धरती, मौसम और तरह तरह रा रंगा ने देकर तो देवता भी आवन रो मन चला ले। केवन रो मतलब ओ है कि राजस्थान आपरे किसाई क्षेत्र में कम कोनी, पर आज जद राजस्थानी सनीमारी बात चाले तो आपाने थोड़ो नीचो देखनो पड़े। एक टेम ही के राजस्थानी सिनेमा रो डंको चारा का नी बाजतो, बाबो सारी लाडली, बाबा रामदेव, ननद भोजाई, बाईचाली सासरिय सरीसी फिल्मा ने दर्शक खूब पसंद करे। आरो गीत संगीत देश विदेश रे कोणा कोणा में फैलो। बीके आदर्श, रामराज नाहटा, भरत नाहटा, संदीप वैष्णव, मोहन सिंह राठौड़, ओपी व्यास, नीलू और रमेश तिवाड़ी सरीसा कई सैकड़ों कलाकार
राजस्थानी सिनेमा ने खूब खिलाया। आपने सिनेमा में माधुरी दीक्षित, धर्मेंद्र, गोविंदा, असरानी, आलोकनाथ, किरण कुमार, रजा मुराद, उपासना सिंह, गजेंद्र चौहान सरीसा बॉलीवुड रा कलाकार आपरे अभिनय रा जोहर दिखाया। और 2001 में जगमोहन मुंदड़ा री फिल्म बवंडर ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार जीत्या। पण उनरे बाद राजस्थानी सिनेमा रे विकास री रफ्तार थोड़ी मंदी है, आ अपने वास्ते चिंता री बात है। हालांकि अबार रा दौर में राजस्थानी सिनेमो पाछी रफ्तार पकड़ी है, कई फिल्मा बनवा लागी है, कई बड़े बजट री फिल्मा रा मुहूर्त हो रिया है, पर ठोस अपील रे अभाव में राजस्थानी सिनेमो क्षेत्र विशेष में ही सिमट तो जा रही है। सीमित बजट रे कारण फिल्मा रो प्रदर्शन प्रमुख शहरा में एक साथ नहीं हो रही है, इन रे कारण मुनाफे री उम्मीद कम ही रहे। आज आ बात कोनी के राजस्थानी बोलबाला की कमी है, आज 6 करोड़ राजस्थानी देश विदेश रा कोना कोना में फैलोड़ा है। सबने आपरी भाषा सुन लगाव है, सब साफ सुथरो और सरस मनोरंजन देखन रो चाव राखे। और ईरो सबसे बड़ो उदाहरण पुरानी राजस्थानी फिल्मा रो संगीत है, जिन्हें देश विदेश में आज भी बड़े चाव सु पसंद करो जा रहा। राजस्थान री भांत बंतीली लोकेशना हमेशा ही देसी और विदेशी फिल्मकारा ने लुभावती रही है। अठे बॉलीवुड री मुगले आजम, रेशमा और सेरा, मेरा गांव मेरा देश, गुलामी, बंटवारा, क्षत्रिय, बॉर्डर, पहेली, जोधा अकबर, वीर और बोल बच्चन जैसी कई सुपरहिट फिल्मारे सागे हॉलीवुड री फिल्मारी शूटिंग भी। राजस्थान री माटी सु निकलिया अल्लाह जिलाई बाई, सुल्तान खां, बिस्मिल्ला खां, मेहंदी हसन, विश्वमोहन भट्ट, हसरत जयपुरी, इला अरुण, इरफान खान, रूप कुमार राठौड़, केसी बोकाड़िया, सावन कुमार टाक, असरानी, अन्नू कपूर सरीसा कई कलाकार देश विदेशा में राजस्थान रो परचम लहरायो और लहरावन लाग रहा। आज बॉलीवुड री फिल्मा में घणकराक पीसो राजस्थानी सेठा को लाग रियो है, पर राजस्थानी सिनेमा का होट तो आज भी सुखड़ा है और राजस्थानी सिनेमो बॉलीवुड री बराबरी को नहीं कर पा रहे। आ ही बात आज आत्ममंथन करवाने मजबूर कर रही है, पर आपा आत्ममंथन करिया बिना ही भूंड रो ठीक रो सरकार वितरका और सिनेमा मालिका पर फोड़ देवा के आरे कारण राजस्थानी सिनेमो ला रहे है, तो आ बात भी ठीक को नहीं। हाँ आ बात भी साची है कि अपनी सरकार दूसरा रीजनल सिनेमा की तुलना में कोई ठोस कदम कोनी उठा रही है। आज महाराष्ट्र की सरकार मराठी फिल्मा ने 2540,000 तक की सब्सिडी, आंध्रा और कर्नाटक की सरकार 15-15 लाख और उत्तर प्रदेश की सरकार लागत रो 25% भाग सब्सिडी के रूप में दे रही है। इनके विपरीत आपनी जो 5 लाख सब्सिडी है बाउट का मुंडा में जीरो है। पर सरकार रे सागे सागे फिल्मकार और पब्लिक भी जिम्मेदार है। आज महाराष्ट्र जावा तो बठारा लोग मराठी भाषा बड़े गर्व से बोले, साउथ में भी सब आपरी भाषा बोलन रो चाव राखे, पण आपा लोग राजस्थानी बोलवा में शंको खावा। आपा ने लागे कि जे आपा राजस्थानी बोली तो गिवार कहला वाला। जद आपा ने अपनी भाषा सु ही प्रेम कोनी तो राजस्थानी फिल्मा चालन की कल्पना भी किया कर सका। पण अकेलो चणो कदे भाड़ कोनी फोड़ सके। आज अपना राजस्थानी सिनेमा ने ऊपर उठावण वास्ते सबके सहयोग और एकजुटता री आवश्यकता है। आज वितरका और सिनेमा मालिका ने भी एक पहल करनी चाहिए कि मैं कम से कम इतना सो तो राजस्थानी फिल्मा चलावा लाई। जे आ बात वितरक और सिनेमा मालिक ठान लेवे तो राजस्थानी सिनेमा की तरक्की कोई को नहीं रोक सके। आज राजस्थानी सिनेमो मरुभूमि रा समृद्ध निर्माता, निर्देशका, कलाकारा, गीतकारा, संगीतकारा आदि सु भी बड़ी उम्मीद रखे। आ सबरे सहयोग बिना राजस्थानी सिनेमा रे विकास री कल्पना ही कोनी करी जा सके। आखिर में एक बात कि कुण कहवे है कि राजस्थानी फिल्मा कोनी चाल सके, एक साथ कदम सु कदम तो मिलाओ यारो, एक फिल्म तो तबीयत सु बनाओ यारो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। चलते हैं हमारे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा की तरफ। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट कैटेगरी का अवार्ड बेस्ट मेकअप
artist. And the nomination, please. NIMS University presents Rajasthan Film Festival 2014. Nominations for Best Makeup are Sameer for Kahani Ek Devi Ki. Sameer for Tandav. Mukesh for Jai Hind Lajma. Abdul Bhai for दंगल. बोल रही है प्रताप. अरे इमें शिकायत की काई बात है. बिड़नी साची कह रही है बेटा गाड़ी घोड़ा कंट्रोल सुई चलाना चाहिए. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा. ये नाम अनाउंस होता है तब तक प्लीज एक बार जोरदार तालियां और उस शख्सियत के लिए जिनके हिस्से में ये अवार्ड जाने वाला है. बेस्ट मेकअप अवार्ड गोज टू अब्दुल भाई. अब्दुल भाई जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए. अब्दुल भाई फिल्म दंगल. और हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर. एंड द नॉमिनेशन प्लीज. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 nominations for Best Costume Designer are Kamna Ji for Dangal. मैं भुजंग. अरे भुजंग है पर अठे क्यों आयो है? दादो साहब चलो सीधी काम की ही बात करा. काम. सोहम राजपूत for कहानी एक देवी की. संदीप राणा फॉर ताको फिड़क्यो. छोड़ दीशु पर सांची बात तो यह है ना कि थारे दिल में अब भी बस वर्गरी अप्सरा अन्नुड़ी बस रही है. मारी तो झूठी तारीफ हो रही है. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा. नेक्स्ट कैटेगरी ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर. एंड इस पर अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ स्टेज पर हैं शमशाद पठान जी एंड ओमकार दास मानिकपुरी जी. कामना जी फिल्म दंगल. और नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है हमारे साथ बेस्ट आर्ट डायरेक्टर. बेस्ट आर्ट डायरेक्टर एंड नॉमिनेशन प्लीज. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर आर प्रकाश शुक्ला फॉर दंगल. शाबाश. आजा बंसी से लड़े. आजा. शेर मोहम्मद फॉर कहानी एक देवी की. जी हुकुम. संतरा उस लड़के ने कुछ खाया. सचिन फॉर तांडव. नगेंद्र दुबे फॉर जय हिंद लाजमा. आप सबने पधारो है. आप भी पधार जो. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा. बेस्ट आर्ट डायरेक्टर अवार्ड गोज टू शेर मोहम्मद फिल्म कहानी एक देवी की. कांग्रेचुलेशंस.
चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले अंजन की सिटी में भरो मारी देवी Award category is the best choreographer and the nomination are Rajasthan Film Festival nominations 2014 for best choreographer R. Ashwin Govil for Jai Hind Lajma Santosh Palwankar for Mahare Hivra Me Nache Mor Nikki Patra for Dangal राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा और बेस्ट कोरियोग्राफर कौन बनने वाले हैं हमारे साथ यहां पर आज के इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा में ये नाम अनाउंस करने के लिए हमारे साथ स्टेज पर हैं फिल्म निर्मात्री कुसुम काबरा जी एंड राजस्थानी फिल्म अभिनेता क्षितिज कुमार जी सबसे पहले तो राम राम सा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जा रहा है फिल्म जय हिंगलाजमा अश्विन गोहिल जी को थैंक यू सो मच अश्विन गोहिल और हमारे इस राजस्थान अवार्ड फेस्टिवल की राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी की जो रफ्तार है वो एकदम से बढ़ चुकी है और अगली कैटेगरी की तरफ बढ़े इससे पहले जरा इंजन की सीटी बजा लेते हैं इसी के साथ आप सभी लोगों की जोरदार तालियां अपनी सारी बारी यार फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज अंजन की सिटी में भरो अंजन की सिटी में भरो मनी डोले अंजन की सिटी में भरो मनी डोले जयपुर से जद गाड़ी चली जयपुर से जद गाड़ी चली मैं बैठी जी सुधी असी जोर को धक्को लाग्यो जद मैं पड़ गई ऊंदी चला चला रे चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले की सिटी में भरो हरी देरी रो मारी देरी रो ना सर पिया दो पड़ा था मारी देरी रो ना सर पिया दो पड़ा था मने ले तो डोला ले रियो सा मने ले तो थे ले रियो सा अमरवन लहरियो मरवण लहरियो मंगवा दू बीकानेर सूजी मरवण लहरियो मंगवा दू बीकानेर सूजी जिन में लखता रा जड़वा दू जैसलमेर में जी जिन में लखता रा जड़वा दू जैसलमेर में जी गलियां में बोले मारी सजनी जी
थैंक यू आपकी जोरदार तालियों के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक फिल्म की शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग का भी उतना ही योगदान होता है जो उस फिल्म में जान डाल देता है, और वो एडिटर ही होता है जो एक साधारण फिल्म को असाधारण फिल्म बना देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारी अगली कैटेगरी की जो है बेस्ट एडिटर, एंड द नॉमिनेशन प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 for Best Editor are Manoj Sankhla, Ajay for Dangal, Surendra Shetty for Kahani Ek Devi Ki. Abhi ye to mat. Krishna for Tandav. Shiva. Rajasthan Film Festival, Nai Soch, Nai Disha. And the Best Editor Award ko dene ke liye hum manch par bulana chahenge Vivek Mishra ji, Deputy Vice Sales Head, aur saath hi Aditi ji ko. Please zordaar taaliyan inke liye. And the Best Editor Award goes to Mr. Manoj Sankhla and Ajay Chauhan. Congratulations. Badhaiyo, badhaiyo. Bahut bahut badhaiyo. Thank you. Thank you, Vivek sir. Thank you, Aditi ji. Thank you very much. Thanks. और इस अवार्ड कैटेगरी की अगली कैटेगरी जो आने वाली है हमारे अवार्ड्स की, वो है बेस्ट साउंड, एंड द नॉमिनेशन प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 Nominations for Best Sound are Pinky Maurya for Dangal, Bheem Singh for Kahani Ek Devi Ki, Shankar Dada for Tanda, Mr. Hari for Jai Hind Lajma. क्यों डरे? चल. चल चल. डरवा हमारी रक्षा कर जे. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। द बेस्ट साउंड अवार्ड गोज टू पिंकी मौर्या फॉर फिल्म दंगल। पिंकी मौर्या। Thank you very much.
एंड बढ़ते हैं हमारे इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकेंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा के अगली अवार्ड की तरफ. एंड ये अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर. एंड द नॉमिनेशन प्लीज. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर आर मोंटी शर्मा फॉर कहानी एक देवी की. विक्रम सिंह फॉर तांडव. धर्मेंद्र फॉर दंगल. देवीदत्त फॉर जय हिंग लाजमा. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा. बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड गोज टू मोंटी शर्मा फिल्म कहानी एक देवी की. मोंटी शर्मा कांग्रेचुलेशन. एंड द बेस्ट लिरिक्स राइटर जिनके हिस्से में ये अवार्ड जाने वाला है. लेकिन इससे पहले इस अवार्ड कैटेगरी में अपने नाम किन लोगों ने दर्ज करवाए हैं इसके लिए नॉमिनेशन प्लीज. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट लिरिक्स राइटर आर हेमा चंदानी फॉर ब्याव करने छक मारी. सुधाकर शर्मा फॉर दंगल. खन 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 के जी जुड़ लो भी खन के आधी रातों में हो आधी रातों में हो आधी रातों में सतावे थारो प्यार. हेमा चंदानी फॉर ब्याव करने छक मारी. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा. टू प्रेजेंट द अवार्ड बेस्ट लिरिसिस्ट राइटर हमारे साथ हैं श्रीमती पद्मा भट्ट जी एंड सौरभ भट्ट जी. बेस्ट लिरिक्स राइटर अवार्ड गोज टू मिस्टर सुधाकर शर्मा फिल्म दंगल. श्री सुधाकर जी शर्मा फिल्म दंगल. बातों में तेरा जिक्र सदा सुनो ना संग मरमर किए मिनारे. लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 के विनर लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए गैंग्स ऑफ हसीपुर. नाम बताने की जरूरत है नहीं. अलबेले हैं मस्त मौला है और नाम है सुरेश अलबेला. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है. अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने घनघोर बजाई है वरना आदमी तो मैं तो क्या है देखो जयपुर में जैसे ही आया ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ के चालान काट दिया. जयपुर जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले मैंने कहीं नहीं देखे. अच्छा जयपुर के पुलिस वाले बहुत सीधे हैं साहब. इतने सीधे हैं मना ही नहीं करते. जो देते हैं वही रख लेते हैं.
वरना हमारे कोटा में तो एक लड़का बिना हेलमेट के निकल गया, चौराहे पे जैसे ही गया तो पुलिस वाले ने कहा हेलमेट, बोला साहब हेलमेट तो नहीं है, पुलिस वाला बोला साइड में आ जा चालान कटेगा। तो छोरा बोला साहब ऐसे ही 100-200 रुपए लेके काम चला लो। पुलिस वाला बोला ठीक है 200 रुपए दे। 200 रुपए देने के बाद लड़का जाने लगा तो जाते जाते लड़के ने पूछ लिया, बोला साहब आपने तो छोड़ दिया लेकिन आगे वाले चौराहे पे फिर किसी ने पकड़ लिया तो? पुलिस वाला बोला पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, उससे बोल देना कैटरीना कैफ। वो गया आगे वाले चौराहे पे, जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा वो बोला कैटरीना कैफ। पुलिस वाला बोला जाओ। फिर आगे गया, फिर चौराहे पे पकड़ लिया, बोला कैटरीना कैफ। पुलिस वाला बोला जाओ। अगले के कैटरीना कैफ इतनी काम में आई पूरे शहर में घूम लिया। अगले दिन वो फिर घर से निकला तो उसने सोचा यार जब अपने पास कैटरीना कैफ है तो फिर हेलमेट लगाने की जरूरत क्या है। अगले दिन भी बिना हेलमेट के निकल गया, जैसे ही चौराहे पे गया फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला साइड में आ जा हेलमेट नहीं है। छोरा बोला जी कैटरीना कैफ। पुलिस वाला बोला साइड में आ जा भाई आज दीपिका पादुकोण है। देखो सही कह रहा हूं, आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। वो एक आदमी तो अपनी बीवी के साथ नैनीताल में गया, 10 दिन तक वो होटल में रहा, 10 दिन के बाद उसने सोचा होटल चेकआउट कर देते हैं, तो मैनेजर के पास गया। मैनेजर से पूछा मैनेजर साहब बिल कितना हुआ? मैनेजर बोला जी आपका बिल हुआ है 20,000 रुपए। वो बोला जी 20,000 रुपए किस बात के? मैनेजर बोला साहब 20,000 में से 2,000 तो खाने के। वो बोला जी खाना तुमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने, खाना तो बिल्कुल तैयार था। और पैसे किस बात के? बोला साहब 2,000 रुपए आपके एसी के। वो बोला जी एसी तो हमने चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने, एसी तो बिल्कुल तैयार था। इतना कहते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, वो मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 1,00,000 रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला रे तेरा कौन सा 1,00,000 रुपए का बिल? तो वो बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। आदमी बोला तूने काई को नहीं छेड़ा, लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। जैसा देश होता है साहब वैसा भेष आदमी को कर लेना चाहिए, वरना तो क्या है जब बच्चा पैदा होता है तब से टेंशन शुरू हो जाती है। मैं सही कह रहा हूं आपको, कहीं महासंत ओशो ने लिखा, ओशो कहते हैं कि जो हंसता है वो ईश्वर के लिए इबादत करता है, और मैं कहता हूं कि जो हंसाता है ईश्वर उसके लिए इबादत करता है। वरना तो आदमी का जब जन्म होता है तब से टेंशन शुरू हो जाती है। मैं तो अपने दोस्त को अस्पताल में बधाई देने गया, मैंने कहा बधाई हो भाई साहब आपकी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। वो बोला यार इसमें मेरा क्या कसूर, ये फिल्में ही ऐसी देखती थी, डॉन 2, धूम 2, मर्डर 2। मैंने कहा अच्छा हुआ भाभी जी ने दिल्ली 6 नहीं देखी, वरना झगड़ा हो जाता, और चाची 420 देख लेती तो काम और भी तगड़ा हो जाता। देखो टेंशन जन्म से ही शुरू हो जाती है। मैं सही कह रहा हूं आपको, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन बच्चा हिलना डुलना बंद करेगा तभी तो बताएंगे कि क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद तो सारी अस्पताल की नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले शक्ति कपूर पैदा हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने इस तरह से ठहाके लगाए, मैं आपका आभारी हूं। और
चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
की हमारी अगली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड द नॉमिनेशंस प्लीज. NIMS यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आर फरीद अहमद. हैरी माल्या फॉर कहानी एक देवी की. धीरज सेन फॉर मारे हिवड़ा में नाचे मोर. सतीश तेहरा फॉर दंगल. देवीदार फॉर ब्याव करने छक मारी. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा. बेस्ट म्यूजिक अवार्ड गोज न्यू फरीद फरीद अहमद योगेश मिश्रा हैरी मालिया कौशल महावीर. कहानी एक देवी. Congratulations, thank you. And ye award category hai hamari best song of the year. And the nomination, please. Rajasthan Film Festival 2014 nominations for best song are Chamke Ji Chamke Chundar for Dangal. महरा हिवड़ारे थे हार फॉर हुकुम. आजा नखराली कौरी फॉर जय हिंगलाज माँ. घर आजा परदेसी फॉर माया जा. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा. अवार्ड गोज टू आजा नखराली गोरी फिल्म जय हिंगलाज माँ. आजा नखराली गोरी फ्रॉम द मूवी जय हिंगलाज. जय हिंगलाज माँ. तो चलते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकेंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा की अगले अवार्ड की तरफ जो है बेस्ट मेल सिंगर एंड द नॉमिनीज आर. Rajasthan Film Festival nominations 2014 for Best Male Singer are Shahid Malia for Kahani Ek Devi Ki. Fareed Ahmed for कहानी एक देवी की. सोनी चिड़िया फुल हो चली. रहमान खान फॉर तांडा. बैर नहीं रे प्रीतम हिवड़े में जाग्यो है. अमित शर्मा फॉर बेवफाई. क्यों छोरी तू धोखो दियो क्यों बुलायो प्यार. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा.
The best singer male award goes to Shahid Malia. Gurdas Malia and the winner is Kahani Ek Devi Ki. Shahid Malia, film Kahani Ek Devi Ki. Surda Talia, please. Thank you, sir. Rajasthan Film Festival, second award ceremony, Nayi Soch, Nayi Disha. And next award category is our best female singer. And the nominees are Rajasthan Film Festival nominations 2014 for best female singer are Anuradha Padwal for Jai Hind Lajma. Sanjeevani for Hukum. Farida Khan for Dangal. Anvisha for Taako Phir Gyo. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा और मौका भी है और दस्तूर भी मारवाड़ी में बात करने वास्ते तो पहली बात हैंगर हमारा पगे लागू ठीक है और दोस्तों ने राम राम ओके एज आई वुड से बेस्ट सिंगर फीमेल अवार्ड गोज टू आई मीन अनडाउटली अनुराधा पौडवाल जी फिल्म जय हिंगलाज माँ आजाद खत्री जी प्लीज आ जाएं मंच पर कंग्रेचुलेशंस आजाद जी एंड थैंक यू करण थैंक यू प्रवीण जी थैंक यू और इन्हीं आपकी जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर बुलाते हैं हरदिल अजीज और My best buddy, Mr. Ravindra Upadhyay, who on stage for the performance. Meri jaan, meri shaan, pehchaan sa lage. अभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे मेरी जान मेरी शान पहचान सा लगे स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नई सोच नई दिशा कर गया और अब मैं तो मर गया है
कुछ कर गया कर गए ओए। अरे इस गाने से फिर से मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी जान मेरी शान पहचान सा लगे, स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे, राजस्थान शाम के चीफ गेस्ट माननीय श्रीमान टीपी अग्रवाल जी के लिए प्लीज हमारे पहले जोरदार तालियां के लिए। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, संजना जी मैं आज फर्स्ट टाइम यहां पे आया हूं और जो मैं प्रोग्राम में देख रहा हूं जिस ढंग से राजस्थान की पिक्चरों को प्रोत्साहन मिल रहा है, मेरे ख्याल वो मैंने आज तक एटलीस्ट कहीं भी किसी स्टेट में ऐसा देखा नहीं है। लास्ट ईयर राजस्थान गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर को उस टाइम लेटर लिखा था कि 5 लाख की जगह 25 लाख कम से कम होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग अपनी संस्था की तरफ से इम्पा की तरफ से हर हालत के अंदर कोशिश करेंगे कि हम लोग चीफ मिनिस्टर को द्वारा मिले और डेफिनेटली ये पैसा बढ़ना चाहिए ताकि फिल्मों की क्वालिटी अच्छी हो सके, पिक्चर अच्छी बना सके और प्रोड्यूसर पिक्चर के ऊपर पैसा ज़्यादा लगा सके तभी यहाँ की फिल्म अच्छी बनेगी। थैंक यू वेरी मच। नाइस डे। और ये था मूवी का पहला लुक रूप कंवर फॉर्स द फायर। Best Action Director and the nominees on screen. Rajasthan Film Festival 2014 nominations for Best Action Director are Singh is King for Dangal, Feroz Khan for
Tanda. Sing is King for Jai Hinglaj Ma. Feroz Khan for Hukum. Rajasthan Film Festival, Nai Soch, Nai Disha. The award goes to film Dangal. Action director goes to Sing is King. Cut it, bhai. Ye bolna chahega. Okay, chale chalte hain hamari agli award category taraf aur ye award category hai hamare saath best cinematographer and the nominees on screen. NIMS University presents Rajasthan Film Festival nominations 2014 for Best Cinematographer are Jay Nandan for Kahani Ek Devi Ki, Utpal P. Das for Tanda. साल तो आ रही हूं और न जाने यो खोने सिलसिलो कब तक चाल तो रहे। एस प्रसाद फॉर दंगल। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। अवार्ड गोज टू जय नंदन फिल्म देवी एक कहानी। जोरदार तालियां प्लीज दरबार है। हमारी नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की और ये है बेस्ट कॉमिक एक्टर मेल एंड द नॉमिनेशंस आर Rajasthan Film Festival 2014 nominations for Best Comic Actor are Yusuf Khurram for Taako Phir Kyo. Okay, now. Yes, sir. Chuko. Let's take off. Chora ki mobile pe aajkal bahut gudar ko chal rahi hai. Yes, sir. Nazar gada ke rakho. कहीं गड़बड़ है। यस सर। कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। गेट आउट। देव शर्मा फॉर महारे हिवड़ा में नाचे मोर। के बाप है, आज तो बड़ो रोमांटिक मूड में लाग रही हो है। अरे थे कदी देखे को नहीं मने मारो तो मन रोमांटिक तन मन रोमांटिक आ अठे चटे भी देखूं रोमांटिक ही रोमांटिक। जीतू पांड्या फॉर जय हिंगलाज मा। नहीं करनो है, एक सौ शादी करके परेशान हूँ, दूसरी शादी करूँ क्यों? अरे मारी शादी यार मारी। I'm sorry, भावनों में बेबूत हो। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। And the award goes to Yusuf Khurram, film टांको फिर गयो। यूसुफ खुर्रम टांको फिर गयो। प्लीज जोरदार तालियां इस मूवी के लिए एंड इस अदाकार के लिए, इसने रुपहले पर्दे पर हमारे बहुत सारे सुदीर्घ दर्शकों को हंसाया है। कंग्रेचुलेशंस। द अवार्ड कैटेगरी इज बेस्ट कॉमिक एक्टर फीमेल एंड द नॉमिनेशन आर राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 nominations for Best Comic Actress are Upasana Singh for Taako Phir Kyo. Jaani Kaali Mari. Jaan. Ibhi tak to kunni kaali.
पर कार्ड लेशु जेकर उल्टा सीधा जवाब दिया। मारी दियो हुकुम, पूछो के पूछनो है। नाम है बुलबुल, उम्र थोड़ा चोरी कटे। मिताली पटेल फॉर जय हिंगलाज मां, या तो फिर कपड़ों धो रहे हो या फिर पोछा लगा रहे हो, क्यों मारा पति देव? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। बेस्ट कॉमिक एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू उपासना सिंह जी। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा की अगली पड़ाव की तरफ चलें। इससे पहले हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनसे लड़ने में कुछ इंसान सक्षम होते हैं, कुछ इंसान सक्षम नहीं होते। और ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। बीएमसी एचआरसी की एक और शाखा है केजीके फाउंडेशन। यह शाखा 3 से 18 साल तक के कैंसर पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरा करती है। इस शाखा ने अब तक 1800 बच्चों की इच्छाओं को पूरा किया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल भी बीएमसी एचआरसी के साथ जुड़कर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। बहुत अच्छा लगे कि यू नो अब सब एसोसिएटेड हों एड कॉजेज वास्ते, बिकॉज सही बात है कैंसर बहुत ज़्यादा ही भयंकर बीमारी है, और स्पेशली व्हेन यू कांट अफोर्ड इट तो उन लोगों के वास्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। आई एम रियली आई एम सो प्रिविलेज टू बी स्टैंडिंग ऑन स्टेज यहाँ पर, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत मतलब रियली बहुत काबिल तारीफ है। मैं गर्व हूँ मैं कह सकूँ कि यार अबे बहुत सही काम कर रहे हो, एंड राजस्थानी अवार्ड्स भी जिसका इनाते एसोसिएटेड है, फैंटास्टिक जॉब, रियली रियली एक्सीलेंट। बट आई बिलीव इन तीनों ने बार की फर्क नहीं पड़ रही है, ओके इन्होंने थोड़ी मस्ती करनी है तो आई थिंक थोड़ा नाच गाना बच्चों रहते हो जाए तो कड़ा लगेगा। जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के जाओ सारे मूड बना के ये कोमल है और अपनी कोमल कोमल वाणी से आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय ऑल रिस्पेक्टेड पर्संस, फिल्म मेकर्स, फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, कंचन कैसेट द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले ये राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल डेफिनेटली राजस्थानी सिनेमा को आगे लेके जाएगा। थैंक यू एल, थैंक यू टू माय मॉम। और ये कंचन कैसेट सीरीज की तरफ से एक छोटा सा तोहफा हम भेंट कर रहे हैं इन बच्चों को। थैंक यू। बीपीएल परिवार के बच्चों को निशुल्क सहायता एवं कैंसर अवेयरनेस के लिए बीएमसीएचआरसी के सम्मान में दिया जाने वाला अवार्ड एनआर कोठारी जी को। और ये छोटा सा मोमेंटो है, छोटी सी यादगार है इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा की, कंचन कैसेट्स एंड सीरीज की तरफ से अलॉन्ग विद हमारे इवेंट पार्टनर अनिल बिद्द साहब की तरफ से सर के लिए। मैंने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि सभी सिनेमाओं में फेस्टिवल होता है, सिर्फ एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल राजस्थान में ही नहीं होता। और मैं राजस्थानी फिल्मों से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, और मुझे लगा कि मुझे राजस्थानी फिल्मों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए स्टार्ट। मुझे पता है कि मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया है,
मगर मैंने इतनी चीजें देखी है कि बहुत छोटे वाले ही बहुत बड़े पे तो जाते हैं। तो ये है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल एक दिन में उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहती हूँ जहाँ राजस्थान के लिए गर्व से हम बोलते हैं जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी नींद बड़ी, जब राखा बेलिया निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा के अगले अवार्ड की तरफ जो है हमारी अब तक की अवार्ड्स कैटेगरी का सबसे अलहदा सबसे विशिष्ट एंड सबसे प्यारा अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं उनको जिनके बारे में राजस्थानी सिनेमा की विकास यात्रा में कदम से कदम मिलाकर बहुत सारी हस्तियों ने अपना अनमोल योगदान दिया है और एक परिवार ऐसा है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थानी फिल्मों का निर्माण करके सिनेमा को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इतना कुछ बताने के बाद हमारी राजस्थानी सिनेमा के बहुत सारे लोगों के जेहन दिलो दिमाग में वो नाम आ गया होगा और आज भी ये परिवार इस परिवार की वर्तमान पीढ़ी अपना योगदान दे रही है। आइए देखते हैं इस परिवार के इस अनूठे योगदान को ऑन स्क्रीन। जब भी कहीं राजस्थानी सिनेमा की बात चलती है तो जहन में एक ही परिवार की तस्वीर उभर कर सामने आती है और वो परिवार है जोधपुर का नाहटा परिवार और इसके सबसे पहले बागवान थे बीके आदर्श नाहटा, जिन्होंने 1947 से अपना करियर प्रारंभ किया और इसके बाद आदर्श लोक के बैनर तले 1958 में तीर्थ यात्रा नामक हिंदी फिल्म बनाई जो सुपरहिट रही। इसके बाद फैशनेबल वाइफ, रामू दादा, गुप्त ज्ञान जैसी सुपरहिट हिंदी फिल्मों के साथ प्रथम संपूर्ण राजस्थानी सुपरहिट फिल्म बाबूसारी लाडली बनाकर राजस्थानी सिनेमा को नई दिशा प्रदान की। 10 अक्टूबर 1992 को 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। बीके आदर्श नाहटा के साथ इनके भाई रामराज नाहटा ने भी राजस्थानी सिनेमा को खूब आगे बढ़ाया और रंगलोक फिल्म्स के बैनर तले 15 फिल्मों का निर्माण किया। इनमें हिंदी में संत ज्ञानेश्वर, प्रेम विवाह आदि फिल्मों के साथ राजस्थानी में बनी बाबा रामदेव, वीर तेजाजी, धर्मभाई और राजा हरिश्चंद्र जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। जब 1986 में फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तब उन्होंने होप 86 आंदोलन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक मदद प्रदान करना था। रामराज नाहटा प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा के अध्यक्ष भी रहे और इम्पा हाउस की स्थापना की। 60 वर्षीय रामराज नाहटा 18 अप्रैल 1993 को हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। मित्रों, कोई फिल्म बनने के बाद उसकी समीक्षा भी लाजमी होती है और जब समीक्षक की बात चलती है तो उभर कर सबसे पहले एक ही नाम आता है, रामराज नाहटा के सुपुत्र श्री कोमल नाहटा। कोमल नाहटा वर्तमान बॉलीवुड जगत की सुप्रसिद्ध मैगजीन फिल्म इन्फॉर्मेशन के प्रकाशक एवं संपादक हैं तथा इन्होंने कई टीवी शो होस्ट किए हैं। इनमें से ETC बॉलीवुड बिजनेस इनका प्रमुख टीवी शो है और यह बॉलीवुड के नंबर एक व्यापार विश्लेषक के रूप में पसंद किए जाते हैं। इसी बगिया की एक कली का नाम है रामराज नाहटा की सुपुत्री और कोमल नाहटा की बहन मीना नाहटा, ये लीड वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में पहचानी जाती है। इन्हीं के साथ कदम मिलाने वाले एक और भ्राता जिनका नाम था अमृत नाहटा, ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सांसद और फिल्मकार थे। इन्होंने भी रातों का राजा के बाद किस्सा कुर्सी का फिल्म बनाई जो आपातकाल के दौरान जला दी गई। 1977 में इन्होंने पुणे इस चर्चित फिल्म का निर्माण किया और 26 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया। फिल्मकार राकेश नाहटा इन्हीं के सुपुत्र हैं जिन्होंने बाबा रामदेव, छम्बक छल्लो, लाछा गुजरी जैसी राजस्थानी फिल्में बनाकर राजस्थानी सिनेमा में अपना सक्रिय योगदान दिया है। मित्रों, इसी परिवार के सबसे अनुज भ्राता भरत नाहटा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने सुंदरम फिल्म्स के बैनर तले राजस्थानी सिनेमा को बाईचाली सासरिये जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी जिसके रिकॉर्ड आज तक राजस्थान में कायम है। इन्होंने राजस्थान के फिल्म इतिहास में बड़े सितारों से जड़ित राजस्थानी फिल्म बीननी तथा खम्मा खम्मा वीर तेजा बनाई। भरत नाहटा राजस्थानी सिनेमा की बेहतरी के लिए आज भी प्रयासरत हैं और वर्तमान में राजस्थानी फिल्म बाईचाली सासरिये भाग 2 का निर्माण एवं निर्देशन कर रहे हैं। भरत नाहटा के साथ इनके सुपुत्र दीपक नाहटा भी राजस्थानी फिल्मों में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। RFF ऐसे नाहटा परिवार रूपी बरकत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। जोरदार तालियां प्लीज नाहटा परिवार के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स,
बहुत अच्छा लग रहा है जयपुर आकर आपके सामने खड़े रहकर। पूरा नाहटा परिवार, ये हमारा आधा परिवार है एक्चुअली। कुछ लोग बंबई से आए हैं, कुछ जोधपुर से आए हैं, लेकिन हमने सोचा इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा ऑनर दिया जा रहा है ताकि राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर रिवाइव हो जाए। थैंक यू। मैं इस संस्था की संजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चलिए बात करते हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक परिवार ऐसा भी है जो लगातार 3 पीढ़ियों से हम सब बेहतरीन हिंदी और राजस्थानी फिल्मों को आगे तक पहुंचा रहा है। आइए देखते हैं इस खास परिवार के खास सदस्य का क्या योगदान रहा। मित्रों, जब राजस्थान में सिनेमा की कहीं बात चलती है तो सबसे पहले उभर कर एक ही परिवार का नाम आता है, जालानी परिवार, जिन्होंने अपनी लगातार 4 पीढ़ियां सिनेमा को समर्पित कर दी। और इसी परिवार के एक कोहिनूर का नाम है स्वर्गीय माणकचंद जालानी के सुपुत्र श्री श्याम सुंदर जालानी। इनका जन्म 23 नवंबर 1935 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। इन्होंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1950 में ही जोधपुर IAF सिनेमा का स्वतंत्र रूप से वितरण व संचालन के साथ राजस्थान के कई सिनेमाघरों एवं वितरण कार्यों का संचालन किया। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान में महबूब की आन, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, बरसात, आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, हम दोनों सरी की अनेकों फिल्मों का सफल वितरण किया। इन्होंने 1994 में राजस्थानी फिल्म बाबा रामदेव का निर्माण किया और लिच्छमी आई आंगणे व छम्मक छल्लो के सह निर्माता भी रहे। माँ, मेरो नाम भी लिच्छमी है, कि मारी भी पूजा होवेगी? क्यों नहीं बेटा, औरत का अच्छा संस्कार ही औरत ने पूजनीय बना देवे है। तथा इन्हें राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थानी फिल्मों का वितरण कार्य करने का गौरव प्राप्त है। इनके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर दादा साहब फाल्के एकेडमी मुंबई द्वारा 2009 में राजस्थान के सबसे वयोवृद्ध वितरक का दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड प्रदान किया गया। इन्होंने समय समय पर कई मैगजीनों में लेखन व CCA जयपुर की 5 स्मारिकाओं का संपादन भी किया और हाल ही में इनकी एक पुस्तक राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास प्रकाशित हुई है, जो सिनेमा की अनमोल धरोहर है। जालानी साहब प्रसिद्ध फिल्मी संस्था सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के जयपुर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मरुधर सिने मूवीज के नाम से वितरण कार्य कर रहे हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऐसे व्यक्तित्व को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच, नई दिशा। थैंक यू सर, थैंक यू लखाव सर, थैंक यू मालू सर, एंड बहुत बहुत मुबारक श्याम सुंदर जालानी जी को इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थानी सिनेमा में एंड साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी मूवीज में इनकी मखमली आवाज का जादू आपने सुना है, देखा है, एंड यहां पर भी वो मखमली आवाज हम यहां पर आप लोगों के लिए पेश करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राब चंडूस वाली तालियां चाहिए इरफान के लिए प्लीज। This one is from the movie The Expose. Dard dilo ke kam ho jaate, main aur tum gar kam ho jaate, main aur tum gar kam ho jaate, itne haseen aalam हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते। दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते, मैं और तुम
माय फर्स्ट सुपरहिट फ्रॉम द मूवी मर्डर 2 आप सबके लिए जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला First song in movies for A.R. Rahman sir from the movie Ravan. अरे आँख से बूंद गिरा कोई चिंगारी का टुकड़ा जला कोई उम्मीद को आग लगा जरा सहरा की प्यास बुझा जरा को आग लगा जरा सहरा की प्यास बुझा जरा घन इतना बरस के गल में लगू मैं पानी के ऊपर तरने लगू बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे ओ बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे बहने दे घन घोर घटा बहने सागर में जा गिरना है बहने दे नदिया की तरह बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे ओ बहने दे मुझे बहने दे बहने दे मुझे बहने दे बहने दे घन घोर घटा बहने दे पानी की तरह सागर में जा गिरना है बहने बहने दे नदिया की तरह बहने दे नदिया की तरह थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव थैंक यू एक और राजस्थानी मूवी है जिसका भी पहला लुक यहां पर लॉन्च होने जा रहा है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी नई सोच नई दिशा में फिल्म ऐसी दो बहनों की कहानी है जो महिला शक्ति को बढ़ावा देती है और समाज को यह संदेश देती है कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है इस हिंदी फिल्म के निर्माता मिस्टर भवानी सिंह और रंजन सिंह जी हैं
और इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं राज नायक। इस फिल्म को म्यूजिक दे रहे हैं रश्मि प्रिया झा और गीत लिख रहे हैं नदीम अहमद। और लीजिए मैं चलती हूँ अगली कैटेगरी की तरफ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल नॉमिनेशंस प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर मेल आर युधिष्ठिर भाटी फॉर दंगल। देखो कि थारे कने कतरो पावर आ गयो है, जमीन चाहिए जमीन, वो भी दारू के फैक्ट्री के वास्ते। अशोक पांड्या फॉर जय हिंग लाजमा। आप जी ने देखवाया हो नहीं, वो मारो छोटो बेटो है, अब आतो ही बेगा। ये लो नाम राकेश पांडे फॉर दंगल। तो तू अब दंगल में ही मिल, अब के देखूं थारो जोर। चाल बेटा चाल। देवेंद्र पागा फॉर टाको भिड़क्यो। के नाम है तारो? सुखी है जी। जोरू बोल। सुखी है जी सुखी। लो छोरी चीख चीख के कह रही है आरो नाम सुखी है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। बेस्ट सपोर्टिंग मेल अवार्ड गोज टू युधिष्ठिर भाटी फिल्म दंगल। एंड ये अगली अवार्ड कैटेगरी है हमारे साथ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल एंड द नॉमिनेशंस प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर फीमेल आर फरीदा दादी फॉर कहानी एक देवी की। लेकिन आज छोरी का जन्मदिन है, आज तो कुछ ना बोलो। मारी देवी। हंसा तिवारी फॉर माया जाओ। मारो बेटो विक्रम तो श्रवण कुमार निकलियो। भगवान लाजा के धारी। सानिया फॉर कहानी एक देवी की। थारी शूटिंग कल भी है? अम्मा रोटी। हाँ हाँ देख रही हूँ देख रही हूँ। मेहनाज श्रॉफ फॉर दंगल। अब मैं यू ना चाहूँ कि मारो दूसरा बेटा भी ना, ना, बेटा तू चल मारे साथ, यहाँ रहेगा तो तने पुलिस पकड़ लेगी। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल अवार्ड गोज टू, एनी गेसेस? फरीदा दादी फिल्म कहानी एक देवी की। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अवार्ड सेरेमनी की अगली कैटेगरी की तरफ, और ये है बेस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस एंड द नॉमिनेशंस प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस आर कर्मवीर चौधरी फॉर दंगल। अब मैं थारा साथ काई करूं, तुम देख जी मैं तने खून का आंसू रुलाऊंगो। विपिन सिंह फॉर माया जाओ। कौन है वो आदमी इंस्पेक्टर? जरो मैं भी तो जानू, काई नाम है वीरो। कर्मवीर चौधरी फॉर कहानी एक देवी की। तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने तेरे जैसे खास लोगों के साथ किया है। पंकज रैना फॉर कहानी एक देवी की। सारा पैसा सारा घर दौलत सब तेरा, ऐश कटेगी जिंदगी तेरी। उषा जैन फॉर हुकुम। तना वो दोनों ने माफ कर दिया। अरे वाह, ने तो वो वक्त ही मौत के घाट उतार देनी चाहिए। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा।
बेस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस अवार्ड गोज टू मिस्टर करमवीर चौधरी फिल्म दंगल। अगली कैटेगरी की तरफ, और ये कैटेगरी है बेस्ट राइटर। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट राइटर आर सुरेंद्र सिंह राठौड़ फॉर कहानी एक देवी की। संतरोड़ अम्मा इसको गणित कहवे साफ देवी। लखविंदर सिंह फॉर तांडा। रहम करो ये पर बेटा के पर बंदूक तान ली। अरे इन्हें माफ कर दियो। अनिल कुलचैनिया ललित राज सैनी फॉर दंगल। अश्विन खत्री फॉर जय हिंगलाजमा। भाई मियां बीबी राजी, तो मारो मतलब है आप राजी, मैं राजी तो चटमंगनी पट गया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू सुरेंद्र सिंह राठौड़ फॉर फिल्म कहानी एक देवी की। बेस्ट राइटर अवार्ड मिस्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ कहानी एक देवी की। थैंक यू मारू जी, थैंक यू शक्ताव जी। तो चलिए देखते हैं राजस्थानी सिल्वर स्क्रीन पर अपने दमदार अभिनय से कौन कौन सी हीरोइंस ने अपने टैलेंट के दम पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कैटेगरी में नाम दर्ज करवाया है, और इसके लिए नॉमिनेशंस प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस आर रश्मि सोमवंशी फॉर कहानी एक देवी की। तारे जैसे दोस्त की हर खबर रखती हूँ मैं। क्या मतलब? कैसे तूने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था, आज थारी मजबूरी और देवी का फायदा। नेहा श्री फॉर तांडा। अगर थे मुझ पे एहसान ही करना चाहो तो मारे को मारी जमीन पे छोड़ दे, ताकि मारी आखिरी सांस मारी अपना के बीच निकले। नैंसी जोहल फॉर टाको फेड़ो। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। रश्मि सोमवंशी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज अवार्ड कैटेगरी बेस्ट एक्टर एंड द नॉमिनेशंस प्लीज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट एक्टर आर अंदाज खान फॉर तांडव। पर तू शिवन शिवा ने सजा दे सके है, ले तलवार उठा काट डाल शिवा की गर्दन नहीं। आजाद खत्री फॉर जय हिंगलाज मां। गड़गड़ गया यार, कमाल है, चलेगी लड़की, थैंक यू नहीं बोलियो। रमेश कुणावर फॉर दंगल। देखो अगर हमारी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो मैंने माफ कर दे,
मारो मकसद तने तकलीफ पहुंचाने को बिल्कुल भी नहीं। सचिन चौबे फॉर टाको भिड़कियो। अरे सागी धूप हो गया, फिर इश्क क्यों कर रहे हो थे? जब बाप रे सामने इश्क कबूल नहीं कर सके। ओम सिर्वे फॉर माया जाल। 10 करोड़ अबार आपने देना है, बाकी जो पाया आवेला बाद में आपस से बांटने वाला। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू नन अदर देन करते हुए तांडव, मिस्टर अंदाज खान। जोरदार तालियां फॉर अंदाज खान प्लीज। हर बार एक जहाज के कैप्टन को फिल्मी भाषा में कहते हैं डायरेक्टर, एग्जैक्टली राइट। और सिनेमा के क्षेत्र में ये भूमिका निभाते हैं। फिल्म का डायरेक्टर जो सब कुछ साथ लेकर चलता है, सब सारी मूवी का सफल निर्माण भी करते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी कुशलता और प्रतिभा के दम पर राजस्थानी सिनेमा के कौन कौन से डायरेक्टर्स ने नॉमिनेशंस हासिल किए हैं बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड कैटेगरी में। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशंस 2014 फॉर बेस्ट डायरेक्टर आर सुरेंद्र सिंह राठौर फॉर कहानी एक देवी की। अनिल कुलचैनिया फॉर दंगल। लखविंदर सिंह फॉर तांडव। मारो रास्तो क्यों रोक्यो है बापू? यो रास्तो लालगढ़ जावे छोरा। संदीप वैष्णव फॉर जय हिंद। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा। एंड द अवार्ड गोज टू सुरेंद्र सिंह राठौर कहानी एक देवी की। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू कांची मैम, थैंक यू वैष्णव सर। और राजस्थानी गीतों की चांदनी को बिखेरने के लिए मैं फिर से एक बार राजस्थानी परफॉर्मेंस स्टेज पर इनवाइट करने जा रही हूँ। आ रहे हैं हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय, सभी की जुबा पर है ये गीत, बन्ना रे बाग में झूला डालिया। झूला खा लिया गोरी ये बाग में झूला खा लिया, मारे हिवड़े रो मारे जीवड़े रो मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवर सा, मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवर सा। Oh,
चलिए जी चलते हैं, आपके इंतजार को देते हैं यहीं पर विराम। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सेकंड अवार्ड सेरेमनी, नई सोच नई दिशा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द अवार्ड इज द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। एंड इसके लिए हम आप सभी लोगों से चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां, और इन्हीं जोरदार तालियों के साथ हम चलते हैं नॉमिनेशंस के लिए। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2014 नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर आर कहानी एक देवी की। जिसे खुद का पता ना था वो आपको क्या खोजती, मैंने तो भगवान ने चुना था, चाहकर भी आप हमारा दुख कम ना कर पाते। दंगल, तांडव, मैंने एक एक देवगढ़ के पुत्र के खून का हिसाब चाहिए। जय हिंदलाजमा, देख मारे मुझ भी है, मैं फाइट भी कर सकूं और मैं गाना भी गा सकूं और हीरोनो हाथ पकड़ हाँ। नाम भी पूछ सकूं, ये नकराली थारो नाम कहीं है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा, बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर इज देवी। कहानी एक देवी की, और इस टीम के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी विशेष। Say, hey, baby, you can walk my way. Hey, pretty lady, you wanna fly.